अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भी बहुत आसान है, ठीक है। अगले सवाल में क्या दिया है, एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर समझते हो ना, ठीक है। ये भी एक सिलेंडर है, ये बॉटल भी एक सिलेंडर है, बट इट इज नॉट अ सॉलिड सिलेंडर क्योंकि इसके अंदर होल है, ये हॉलो है, तब तो हम पानी भर पा रहे हैं। सो इट इज नॉट अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ओके। सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, अगर इसके ऊपर अंदर पूरा प्लास्टिक होता है, अगर ये पूरा भरा हुआ कंटेनर होता तो वो सॉलिड सिलेंडर होता है, ठीक है। अब एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका टोटल सरफेस एरिया आपको 462 स्क्वायर मीटर दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया समझ रहे हो ना, तो ऊपर का भी सरफेस होगा, ठीक है। तो आपको टीएस से दिया है, व्हाट इज गिवन टू यू, आपको टीएस से, टोटल सरफेस एरिया इज गिवन टू यू, टीएस से ऑफ सिलेंडर, टीएस से ऑफ सिलेंडर इज गिवन टू यू, कितना, 462 मीटर स्क्वायर। टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया विल बी नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स, व्हाट विल बी इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई r h, ठीक है। चूड़ी को हाइट दे देनी है आपने, सो 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल विल गोइंग टू गिव यू 462, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ओके। सो दिस ऑल थिंग्स आर गिवन टू यू। उसके अलावा इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3, इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया CSA is nothing but 1/3 of its surface area। of its surface area का मतलब क्या है, of its total surface area, ठीक है। अगर उसका जो curved surface area it is 1/3, अगर curved surface area 1/3 है of total surface area की TSA, then you have to find volume, ठीक है। तो यहाँ पर आप this is, ठीक है, यहाँ पर मैं इस जो equation आई है इस equation को अगर मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिखूं, सो इट विल गोइंग टू बी नथिंग बट CSA प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू 462, ठीक है। तो यहाँ पर CSA की वैल्यू रखो, पुट द वैल्यू ऑफ CSA एंड सॉल्व इट। ओके बच्चे, ठीक है, ओके। सो ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है आपको, टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट आपको दिया है 462 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज यहाँ पर रख के देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया एज यू नो इट्स 2 पाई r h इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू, टीएससी की वैल्यू इज गिवन टू मी, कितना, 462, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई r h विल गोइंग टू कम हाउ मच, यहाँ से आ जाएगा 3 1 3, 3 5 15 एंड 3 4 12। 2 पाई r h की वैल्यू आ गई 154, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू मैं रखूँगा, अगर इफ आई पुट दिस वैल्यू, ठीक है। अब आपको अपना पर्पस भी मालूम होना चाहिए, यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम, ठीक है। आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, आपने एरिया को πr2h, तो यू नीड r एज वेल एज यू नीड h, ठीक है। r और h की वैल्यू चाहिए। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू 2 पाई r h इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई r h की जगह हो जाएगा 154 प्लस 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 462। यहाँ से r आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, बच्चों ने ऑलरेडी आंसर कैलकुलेट कर दिया है, इट्स 539 सेंटीमीटर क्यूब, बच्चे कह रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर विल गोइंग टू गिव यू 462 माइनस 154, ओके। तो यहाँ से 2 पाई r स्क्वायर कितना आ जाएगा, फिर से 2 पाई r स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है, वेरी गुड। r की वैल्यू 7 बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड। सो 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 462 माइनस 154, सो 2 × 22/7 इंटू r स्क्वायर विल गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 154, तो कैरी 1 लिया, इट विल गोइंग टू गिव यू 80308, ओके। एंड फ्रॉम हियर r square will going to give you 308 into 7 upon 22 into 2. ओके, सो 22 को अगर मैं कैंसिल करूं, ओके, सो 22 1s are 22 एंड कितना बचा 8 बचा 88 एंड 22 4s तो 14 टाइम्स 2 7 टाइम्स, तो r आ गया 7, r आ गया 7. ठीक है, r² = 7 into 7, r आ गया आपका 7. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. ओके, बच्चों को आ रहा है समझ में. ठीक है, अब r आ गया तो आप नाउ यू कैन कैलकुलेट h ऑल्सो ना. आप यहाँ से 2 pi r h = 154 से if you put the value यहाँ पर, so it will going to be 2 pi 2 into 22 upon 7 into r is how much, 7 into h will going to give you 154. Okay, 7 से 7 cancel, h will going to give you 154 upon 22 into 2. h कितना जाएगा, height will be how much, इसको कैंसिल करते हैं. 2 7s are 14. ठीक है, ओके, एंड दिस विल बी देन 11 7s और 11 2s. हाइट आ गई 7/2. वेरी गुड, 3.5 और 7/2. वेरी गुड. ठीक है, सो दिस ऑल यूनिट्स आर इन मीटर. ठीक है, सारी यूनिट्स मैंने यूनिट नहीं लिखी. तो आर भी आ गया 7 मीटर, आ गया 7 मीटर. बस अब वॉल्यूम निकालना है. सो वॉल्यूम विल बी नथिंग बट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट πr²h. So 22 upon 7 into r square 7 into 7 into h is 7/2. ठीक है, so if we'll solve this, अगर हम इसको solve करें, okay, तो 7 से 7 cancel, 2 11 times, और 49 into 11 will going to give me 49 and 49. So 9 5 13 करीबन 539 will be the answer. 539 meter cube. Okay, so simple.